के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र और घोषणा पत्र रोहतक विधानसभा में जारी किया है। घोषणा पत्र पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज जो संकल्प पत्र तैयार किया है वह हर बिंदु को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज़, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर एक पर हैं, आगे भी नंबर एक पर रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए, और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को कर पाए। हम वो चीज़ करते हैं जो हम कर सकते हैं।